नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। साल 2021 खत्म हो गया है। पूरे साल खिलाड़ियों ने फैंस का खूब मनोरंजन किया। टीम इंडिया ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के सरजमी पर टेस्ट सीरीज में मात दी। वहीं इंग्लैंड की धरती पर भी हम 2 टेस्ट में जीते। वहीं साल के अंत में सेंचुरियन टेस्ट मैच को जीतकर भारत ने इतिहास रचा। साउथ अफ्रीका में भारत की ये चौथी टेस्ट जीत रही। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन साल 2021 टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्म करके दिखाया। आइए अब हम आपको बताते हैं 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम का क्रिकेट कैलेंडर क्या रहेगा। भारतीय टीम 2022 में अपने शेड्यूल की शुरुआत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 जनवरी को दूसरा टेस्ट मैच खेलकर करेगी। ये टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। यह अफ्रीका दौरा भारतीय टीम के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि टीम ने आज तक अफ्रीकी सरजमी पर एक बार भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद टीम इंडिया का अगला सामना वेस्टइंडीज से होगा। वेस्टइंडीज भारत के दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने आएगी। आखिरी बार वेस्टइंडीज की टीम 2019-20 में भारत के दौरे पर आई थी। 2022 में टीम इंडिया का अगला सामना श्रीलंका से होगा। लंकाई टीम पूरे 5 सालों के बाद भारतीय दौरे पर आएगी। आखिरी बार टीम 2017 में भारत के दौरे पर आई थी। साल 2022 में भारत दौरे पर श्रीलंका 2 टेस्ट मैच और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के बाद IPL 2022 का आयोजन किया जाएगा। IPL 2022 के बाद टीम इंडिया एक बार फिर से नीली जर्सी में नजर आएगी। इस बार टीम का सामना घरेलू मैदानों पर साउथ अफ्रीका के साथ होगा। दोनों टीमों के बीच कुल 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद इंग्लैंड के लिए उड़ान भरेगी और वहाँ 5वां टेस्ट मैच खेलेगी, जो 2021 में नहीं खेला जा सका था। टेस्ट मैच के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज के दौरे पर जाएगी। इसके बाद पूरे 4 साल के बाद श्रीलंका में एशिया कप का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि एशिया कप सितंबर में खेला जाएगा। कंगारू टीम सितंबर अक्टूबर में भारत के दौरे पर आएगी। इस दौरे पर 4 टेस्ट मैच, 3 T20 मैचों की सीरीज का आयोजन किया जाएगा। इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया जरूर उमदा प्रदर्शन करने के लिए बेकरार रहेगी। साल 2022 का अंत टीम इंडिया बांग्लादेश के दौरे से करेगी। बांग्लादेश के दौरे पर 2 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। ये सीरीज नवंबर दिसंबर में होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।